खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन हो गए अपनी बात नहीं की थी, तो आज करेंगे अपनी बात। मेरी जो अपनी बात है, हमारी इनर वॉइस है, ये ज़्यादातर बेस्ड होती है जो मेरे पास बच्चों के कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो कॉल्स में मुझे जो उनका मेन मुद्दा लगता है, जो मेन इश्यू लगता है, जिसके थ्रू वो जा रहे होते हैं, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस जा रहे होते हैं, तो उसी को पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉब्लम अगर एक बच्चे की है तो वो बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, तो उसी को लेकर हम इनर वॉइस में फिर अपनी बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमारी उम्र हमारी सफलता में बाधक है? ठीक है, क्या ऐसा आपको लगता है कि आप 34 की एज में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 34 साल की उम्र में, और लास्ट एज जो उसकी डेडलाइन है वो 35 साल है? ठीक है, या 40 अगर है लास्ट एज, मतलब पेपर की तैयारी करने की, तो आप 38 में आपने शुरू किया है। ठीक है, तो क्या एज सच में बाधक होती है? तो इसका आंसर है नो, नहीं, बड़े वाला नो, क्योंकि एज बाधक नहीं है, हमारी सोच बाधक है। ठीक है, जिस दिन से, जिस मोमेंट से तैयारी की शुरुआत करना चाहो, शुरुआत कहीं से भी, कभी से भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, कितने साल की उम्र में ये जो है राष्ट्रपति बने हैं? करीब करीब 44 या 46, 48 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। ठीक है, ट्रंप कितने साल की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं? 70 साल की उम्र में। और जो बाइडेन, जिन्होंने आज ही शपथ ली है, कितने साल की उम्र में राष्ट्रपति बने हैं? 78 साल की उम्र में। तो सबका अपना टाइम होता है, किसी को नहीं देखो कि ये 23 साल में आरएएस बन गया, आईएएस बन गया और मैं 40 की हो गई हूं। नहीं, ये नहीं सोचना होता, ये बैरियर नहीं है। एज इज नॉट अ बैरियर, अवर माइंडसेट इज अ बैरियर, हमारी सोच एक बैरियर है। ठीक है, तो कभी भी शुरुआत की जा सकती है। तो ये एग्जांपल मुझे बेस्ट लगता है एज के रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।